नमस्कार दोस्तों इस वीडियो में हम लोग एनालिसिस करने वाले हैं अशोक लेलैंड ले ले स्टॉक के बारे में देखेंगे अशोक लेलैंड ले ले को यहाँ से फ्यूचर में क्या टारगेट देखने मिल सकता है स्टॉक का सपोर्ट कहाँ पे रेजिस्टेंस कहाँ पे अगर स्टॉक का प्रीवियस अगर ट्रेंड देखेंगे तो ऑलमोस्ट स्टॉक थोड़ा सा साइडवेज हम लोग को रेंज में ट्रेड करते हुए दिख, दिख रहा है जिसके ऊपर में रेजिस्टेंस दिख रहा है एक सौ का लेवल और नीचे की तरफ स्टॉक में सपोर्ट दिख रहा है जो कि अराउंड एक सौ का लेवल तो जब तक स्टॉक इस थर्टी रुपीज के रेंज में ट्रेड कर रहा है स्टॉक में दिक्कत की बात नहीं क्योंकि इससे पहले अगर स्टॉक का मूव देखेंगे नो डाउट स्टॉक ने एक अच्छा ऊपर मोमेंटम दिखाया लेकिन कुछ टाइम से जो कि अगस्त तो जिस हिसाब ऑलमोस्ट एक रेंज में ट्रेड करते, दिख रहा।, तो में तो स्टौर्ण स्टौर्ण में करते दिख रहा जो कि थोड़ा सा पॉजिटिव साइड स्टॉक का दिखाता है तो यहाँ से जब भी स्टॉक हम लोग ऊपर के लेवल पे एक के ऊपर निकलते हुए दिखेगा तो स्टॉक पास्ट वन ईयर का ब्रेकआउट भी देखने मिलेगा जो कि शॉर्ट टर्म से स्टॉक में टारगेट एक्सपेक्ट कर सकते हैं 220 से लेके 250 रुपए तक का और लॉन्ग से से टर्म 300 से लेके 500 तक का भी मूव दिखा सकता है लेकिन नीचे की तरफ एक लेवल है एक सौ साठ रूपये के ऊपर ट्रेड कर रहा स्टॉक तो में कोई भी दिक्कत की बात नहीं अच्छा खासा मूव एक्सपेक्ट कर सकते है लेकिन जैसे स्टॉक एक सौ के नीचे निकलेगा स्टॉक में चांसेस है एक 130 से लेके इवन हंड्रेड तक का भी दिखा सकता है तब तक के लिए इतना इस वीडियो में वीडियो ज्यादा तो आप को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें